हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पैसे से पैसा कमाने की कला को जानने वाले सुब्रत राय इस वक्त आपके पैसे को ना देकर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, उस बिजनेस को बढ़ाकर गरीब निवेशकों का खून पसीने का पैसा कहाँ लगा रहे हैं, आइए दिखाते हैं। दोस्तों, क्या है आज की पूरी लेटेस्ट न्यूज़। रविवार 12 जनवरी 2020 की ये न्यूज़ है। सहारा ने होटल के नए उपाध्यक्ष का स्वागत किया। तो दोस्तों, ये क्रिस्टोफर ब्रांड होटल की बिक्री के नए उपाध्यक्ष के रूप में सहारा लॉस वेगास में शामिल हो गए। यह भूमिका में बांड कमरे की बुकिंग के लिए जिम्मेदार बिक्री टीम की देखभाल करेगा। साथ ही सम्मेलन और समूह की बिक्री के माध्यम से राजस्व का खान पान भी करेगा। बांड लॉस वेगास ट्रिप्स में वरिष्ठ स्तर की भूमिकाओं सहित अतिथि यात्रा और पर्यटन उद्योगों की बिक्री के अनुभव के 20 से अधिक वर्षों के साथ सहारा लॉस वेगास में शामिल होता है। सहारा लॉस वेगास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महाप्रबंधक हबस ने कहा, हम अपनी प्रतिभाशाली कार्यकारी टीम में क्रिस के अनुभव को जोड़ने के लिए रोमांचित हैं। बैठकों और आतिथ्य उद्योगों में उनकी प्रतिभा और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। कहाँ तक पढ़ेंगे, सीधी सी बात यह है कि सहारा सुब्रत राय निवेशकों का पैसा 8 साल से रेगुलर बरत रहा है। दोस्तों, जब सेबी ने दोनों इकाइयों को प्रतिबंधित किया था उस वक्त से लेकर और आज तक इसने एक फूटी कौड़ी निवेशकों की नहीं दी और इस वक्त ये अरबों करोड़ों खरबों रुपये का बिजनेस चला रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में गरीबों की हाय लग जाए, हमारा यही कहना है कि सभी गरीब निवेशकों की ऐसे ठग के ऊपर हाय नहीं पड़ रही। दोस्तों, कैसा आज का युग है। दोस्तों, कलयुग में ऐसे ऐसे लोग फूल पड़ रहे हैं जो गरीब निवेशकों का पैसा हड़प कर आज अपने आप को उद्योगपति बन गए हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक बन गए हैं, जो कल तक सड़क छाप नमकीन बेचने वाले खटारा लम्बरेटा स्कूटर पर 1 रुपए से भी कम की कीमत के पाउच बेचते फिरते थे। दोस्तों, आज इनके दिन पलट गए। तो दोस्तों, अपने आप को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिक बन गए और गरीब निवेशकों का पैसा हक्का निचोड़ कर दोस्तों आज ही मालिक बन गए। दोस्तों, ये सारा पैसा आप लोगों का लगा हुआ है। इस सड़क छाप नमकीन बेचने वाले के पास कुछ नहीं था दोस्तों, सब कुछ आपका लूट कर आज बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक बन गया। सेबी जैसे विभागों को अपनी जेब में डालकर इसने ख़रीद लिया। दोस्तों, सेबी जैसे चालू पूसी विभाग ने भी इसके आगे घुटने टेक कर और इसकी खैरात पर पलने पर मजबूर है। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और जिगर के टुकड़े जो हमारे इस वक्त गरीब निवेशकों के दिलों में हैं उनकी हाय पढ़नी स्वाभाविक है। दोस्तों, न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाना। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।